बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, उसमें से डिस्कस करने जा रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेशन बाय कंबशन एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया था एम्पिरिकल फार्मूला को। उससे पहले हम लोगों ने एलिमेंटल परसेंटेज को कैलकुलेट किया था एनालिसिस के अंदर। तो इसमें उन्हीं चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आएगा, यानी कि जो प्रीवियस लेक्चर्स है ना वो भी यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला के लिए कंबशन क्या होता है। सबसे पहले कंबशन कंबशन होता है बेटा बर्निंग ऑफ फ्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर। कि होता क्या है कंबशन? कंबशन का मतलब होता है बर्निंग। बर्निंग यानी कि जलाना है। किस चीज को जलाना है? फ्यूल। फ्यूल मतलब हर वो चीज होती है दैट गिव्स अस एनर्जी ऑन बर्निंग। हर वो चीज जो जलने के बाद हमें एनर्जी देती है उसको हम लोग बेटा फ्यूल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे फ्यूल हम लोग कोयला भी ले सकते हैं, पेट्रोल भी ले सकते हैं, नेचुरल गैस भी ले सकते हैं। तो फ्यूल इन द प्रेजेंस मौजूदगी होनी चाहिए किस चीज की? ऑक्सीजन की। एंड दैट गिव्स अस जो कि हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे याद रखना है कि दो चीजें लाजमी हैं कंबशन के लिए, यानी कि इनको हम लोग दो कंडीशंस का भी नाम देते हैं जो कि कंबशन के लिए जरूरी है। पहली कंडीशन ये होती है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी हो, और वो भी ऑक्सीजन की मौजूदगी हो एक्स्ट्रा एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के दौरान में कंप्लीटली बर्निंग नहीं हो पाती, कंप्लीटली कंबशन जो है ना नहीं हो पाता। इसीलिए कंबशन के दौरान में ऑक्सीजन मौजूद हो लाजमी तौर पर एक्स्ट्रा मिकदार में, फिर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की वजह से या उसी बर्निंग की वजह से एक CO2 लाजमी बनेगा। CO2 के अलावा अदर प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग बेटा ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड कर देते हैं, महदूद कर देते हैं, कम कर देंगे, उस कम ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हम लोगों ने 10th क्लास में भी डिस्कस किया था। तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही फ्यूल का जलना, वो बर्निंग तो होगा लेकिन कंबशन नहीं होगा। ठीक है, कंबशन क्या होगा? कंबशन ये होगा ऑक्सीजन हो कार्बन डाइऑक्साइड बने। कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम बनेगा जब एक्सेस ऑक्सीजन हो, ज्यादा सारी ऑक्सीजन हो। ठीक है, और दूसरी चीज मैं जो पहले आप लोगों को बारी बारी बता रहा हूं कि अगर ऑक्सीजन कम देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, बर्निंग वो भी होगी लेकिन वो कंबशन नहीं होगी। कंबशन के लिए दो कंडीशन ध्यान में रखनी है, ऑक्सीजन हो कार्बन डाइऑक्साइड बने। कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम बनेगी जब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी, ये कंबशन है। बोथ कंबशन एंड बर्निंग हम लोग ये भी कह सकते हैं कंबशन, या यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता होता है ऑल दी कंबशन रिएक्शंस आर बर्निंग रिएक्शंस बट ऑल दी बर्निंग रिएक्शंस आर नॉट कंबशन, यानी कि सारे के सारे जो कंबशन के रिएक्शंस हैं वो बर्निंग रिएक्शंस होते हैं या बर्निंग प्रोसेस होते हैं लेकिन सारे के सारे बर्निंग जो होते हैं वो कंबशन नहीं होते। रीजन ये है कि बर्निंग के दौरान में फ्यूल ने जलना है, चाहे ऑक्सीजन कम दें ज्यादा दें, प्रोडक्ट जो भी हो लाजमी नहीं। कंबशन के दौरान में बर्निंग होनी है लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनना है ऑक्सीजन की मौजूदगी। ठीक है, होप सो ये बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया। फिर हम लोग चलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला बाय कंबशन एनालिसिस। इसमें हमारा मकसद क्या होता है या हम लोग कैसे करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें इसी डेफिनेशन से हम लोग क्लियर आउट होंगे इंशाल्लाह। तो एम्पिरिकल फार्मूला बाय कंबशन एनालिसिस में ये एनालिसिस यानी कि एक वो एनालिसिस व्हिच इज जो के होता है मेड टू डिटरमाइन, इसके जरिए से हम लोग मालूम करते हैं किस चीज को मालूम करते हैं अमाउंट मिकदार।
डिफरेंट एलिमेंट्स के, मुख्तलफ जो एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, प्रेजेंट इन ए नोन मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। यानी कि होता यह है कि इसमें हम लोगों ने मालूम क्या करना है, मालूम करना है मिकदार को, यानी कितनी मिकदार मौजूद है, कितनी अमाउंट मौजूद है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, कहां पर मौजूद है ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रीवियस जो लेक्चर था ना हमारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, उस एम्पिरिकल फार्मूला के दौरान में हमें एलिमेंट्स का मैस पता चल जाता था, हर एलिमेंट का मैस किसी भी कंपाउंड में कितना मौजूद है। ठीक है, हमें कंपाउंड का नाम नहीं पता होता था, हम लोग वो मालूम करते थे एम्पिरिकल फार्मूला के जरिए। लेकिन अभी हमें सिचुएशन ये आ जाती है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट्स मौजूद होंगे। फिर क्या है, हमें ना कार्बन की मिकदार पता है कितनी है, यानी कि कार्बन की परसेंटेज हमें नहीं पता, ना कार्बन का मैस पता है, हमें ऑक्सीजन का मैस नहीं पता, ना परसेंटेज पता है, हाइड्रोजन का मैस भी नहीं पता, यानी कि तीनों चीजें ही नहीं पता, नहीं पता हमें। तो जब नहीं पता कंबशन रिएक्शंस के जरिए से, सबसे पहले तो हम लोग इन तीनों की परसेंटेजेस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कार्बन का मैस तो एग्जैक्टली इनके जरिए से कैलकुलेट नहीं हो पाता, कंबशन एनालिसिस के जरिए से, कंबशन एनालिसिस के जरिए तीनों परसेंटेजेस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इस कंबशन में प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर बनता है, कुछ वेस्ट बनता है, तो हम लोग उसी से कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज करते हैं। यानी कि आप लोग ये भी बोल सकते हो एम्पिरिकल फार्मूला बाई कंबशन एनालिसिस के जरिए से हम लोग परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स जो के होंगे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनको मालूम करेंगे, वो भी कैसे, किसी भी अननोन सब्सटेंस के अंदर से। तो हमारा मकसद ये है मालूम कर लेनी है हम लोगों ने परसेंटेजेस, फिर उस परसेंटेज की बुनियाद के ऊपर हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि बेटा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस किया था, एम्पिरिकल फार्मूला अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहला स्टेप भी क्या होता है, कैलकुलेट दी परसेंटेज कंपोजिशन, तो हमें परसेंटेज ही मालूम करनी है, वो हम लोग इसके से मालूम करें। फिर ये कंबशन एनालिसिस का प्रोसेस होता कैसे, इसमें हमें कोई भी सब्सटेंस जो मिलेगा कि ये अननोन सब्सटेंस है, इसका मालूम करके बताओ मैस भी, और इसके अलावा वो ये बोलेगा कि हमें ये बताओ कि ये कंपाउंड कौन सा है। तो हम लोगों ने करना ये है, वो जो अननोन सब्सटेंस होगा ना, जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसका पहले वे करना है, वजन करना है। ठीक है, वजन करने के बाद उसको हम लोगों ने इस तरीके से ना चार चैंबर्स के साथ कनेक्टेड एक हमारा पूरे का पूरा रिएक्शन करवाने के लिए सेटअप होता है। इसमें फर्स्ट जो चैम्बर होता है, इस फर्स्ट चैम्बर में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ज्यादा सप्लाई ऑक्सीजन की देते हैं, बर्निंग होती है, बर्निंग होने की बुनियाद के ऊपर ना यहां पर गैसेस प्रोड्यूस होंगे, वो जो गैसेस होती हैं वो यहां पर हम लोगों ने निकालनी होती है, क्योंकि उसी के मैस की बुनियाद के ऊपर हम लोग आगे कंपोजिशन मालूम करेंगे। ये वाला वाल्व हम लोगों ने सिर्फ इनलेट के लिए होता है, यानी कि कोई चीज इंटर करते हैं गैसेस वगैरह बाहर नहीं निकल पाते, इसीलिए जो बर्निंग होती जाएगी, बर्निंग के नतीजे में कोई भी जो सब्सटेंस गैसेस प्रोड्यूस करेगा वो आगे फ्लो करेंगे इस सुराख में से, फर्स्ट चैम्बर में जाएंगी जो होगा मैग्नीशियम क्लोरेट। यहां पे मैग्नीशियम जो क्लोरेट होता है, इस चैम्बर वाले के अंदर ना वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, H2O एब्जॉर्ब होती है, वाटर एब्जॉर्बर का भी हम लोग इसको ना नाम देते हैं बेटा। फिर इसके बाद वाटर के जितने भी वेपर्स होंगे, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, वो सारे के सारे यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर जो वेस्ट बचेगा गैसेस का, वो प्रेशर यहां पर जनरेट होने की बुनियाद के ऊपर गैसेज होंगी ना, वो आगे फ्लो करेंगे, वो आगे फ्लो करेंगे, तो इस चैम्बर में कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन होगी, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो यहां पे जब्सर्ब कर लेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद जो नेक्स्ट चैम्बर होगा, इस नेक्स्ट चैम्बर के अंदर जितना भी वेस्ट बचेगा ना, वो सारे का सारा, जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे, सल्फर के ऑक्साइड होंगे, या कोई भी और जो भी वेस्ट वगैरह जो हमें नहीं चाहिए, वो आगे चला जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोरेट वाटर एब्जॉर्ब करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 50% लेना है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना है। तो ये जो मैग्नीशियम क्लोरेट होता है ना, इसके जरिए से इसने करना ये होता है कि जितने भी वाटर के वेपर्स होते हैं वो प्रीवियस हमारे जो भी कंटेनर होगा
उस प्रीवियस कंटेनर में से सारे के सारे अपने जालम सक कर लेने होते हैं, खींच लेने होते हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर वहां पर वाटर के मॉलिक्यूल सारे के सारे खत्म होंगे। इस तरीके से जितना भी हमारे पास सैंपल होगा, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया गया होगा, उस सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बर्न करेंगे कंप्लीटली। जब कंप्लीटली बर्निंग हो जाएगी, उस बर्निंग के बाद फिर सारे के सारे गैसेस के पार्टिकल यहां पर कुछ जमा हो जाएंगे वाटर के, कार्बन डाइऑक्साइड के, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाले चैंबर में, और गैस ठंडे के ऊपर जमा हो जाएंगे। जब ये सारे का सारा काम हो गया ना, तो बेटा हम लोगों ने फिर क्या करना है? फिर इसमें से करना ये है, हम लोगों ने एक तो मालूम करना है मैस ऑफ वाटर। वो कैसे मालूम करेंगे वाटर का मैस? मैस ऑफ वाटर मालूम करने के लिए हम लोग करेंगे, ये मैग्नीशियम क्लोरेट है ना, एक दफा हम लोगों ने यूं करना है, जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा था, एक होता है इनिशियल मैस, एक होता है फाइनल मैस, जिसको हम लोग बोलते हैं M1, M2। अगर हम लोगों ने डिफरेंस इन मैसेस मालूम करना हो, यानी कितना यूज हुआ है, तो वो कैसे करते हैं? डेल्टा एम के जरिए से, चेंज इन मैस के जरिए। उसमें क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। तो यहां पर हम लोग वही बोलेंगे बेटा कि एक जो होगा ना MgCl4, उसका फाइनल मैस M2, M2 कब होगा? जब उसने वाटर को एब्सॉर्ब कर लिया होगा, पानी को जज्ब कर लिया होगा। तो इसको हम लोग वेट वेट का भी नाम दे सकते हैं, यानी गीला, गीला होने के बाद, गीला कब होता है? जब वो जज्ब कर लेगा। वेट वेट ऑफ MgCl4 ट्वाइस माइनस ड्राई वेट, यानी कि इनिशियल मैस को माइनस कर देना है हम लोगों ने फाइनल मैस में से। इसमें हम लोग बेटा यूं करेंगे कि जो भी मैस बाद में पानी को जज्ब करने के बाद है, उसमें से माइनस कर दें इनिशियल वाले को, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? पानी का मैस आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने मालूम करना है मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी ऐसे ही करेंगे, वो भी आ जाएगा वेट वेट ऑफ CO2 माइनस ड्राई वेट ऑफ CO2। लेट्स सपोज हम लोग ये कर लेते हैं, हम लोगों ने ना 10 ग्राम ऐड किया था मैग्नीशियम क्लोराइड यहां पे, तो जब 10 ग्राम ऐड किया वो इनिशियल मैच था। फिर क्या हुआ? फिर जब रिएक्शन करवाया, रिएक्शन करवाने के बाद ना हम लोगों ने दोबारा से वजन किया MgCl4 का, उसका वजन हो गया 15 ग्राम, 15 ग्राम हो गया, यानी कि 5 ग्राम बढ़ गया। वो कैसे पता चला? फाइनल 15, इनिशियल 10, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया, जो बचा वो किसका होगा? वाटर का, ठीक है, क्योंकि उसी को एब्जॉर्ब किया है ना। फिर इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इनिशियल वेट, इनिशियली हम लोगों ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या लेट्स सपोज 15 ग्राम, 15 ग्राम ले लिया, तो फाइनल कितना हुआ? फाइनल लेट्स सपोज हम लोग करते हैं 18 ग्राम हो गया, 18 ग्राम हो गया। तो जब 18 ग्राम हो गया, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दे, 18 माइनस 15 18 माइनस 15, कितना बचा? 3 ग्राम मैस किसका आया? CO2 का। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, इस एनालिसिस के जरिए से इस रिएक्शन में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ है वो बेटा हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने फिर मैथमेटिकल इक्वेशंस की तरफ चलना होता है। फिर बेटा क्या आएगा, हम लोगों ने सबसे पहले कैलकुलेशन करनी होती है परसेंटेज की, उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मालूम करना है हम लोगों ने, कार्बन की परसेंटेज मालूम करनी है। जब कार्बन की परसेंटेज मालूम करनी है तो वो कैसे आएगी? ये थोड़ा सा डिफरेंट होगी प्रीवियस लेक्चर के मुकाबले। वो कैसे? मैस ऑफ CO2 डिवाइड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैस ऑफ CO2 कौन सा? जो यहां से निकाला कार्बन डाइऑक्साइड का मैस, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यहां पे लेके हम लोगों ने बर्न किया था ना सैंपल, उसका मैस कितना है वो यहां पे डिवीजन में। फिर मल्टीप्लाई बाय 12/44, ये क्यों किया हम लोगों ने? अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने जब एनालिसिस वाला टॉपिक किया था उस एम्पिरिकल फार्मूला से प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें परसेंटेज कैलकुलेशन की थी हम लोगों ने, उस परसेंटेज में हम लोगों ने ये चीज बेटा पढ़ी थी कि अगर किसी भी एलिमेंट का, एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करनी हो तो वो कैसे करते हैं? हम लोगों ने किया था परसेंटेज
ऑफ एलिमेंट अगर कैलकुलेट करनी हो कैसे आएगी, मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही करा था ना। अगर परसेंटेज किसी भी एलिमेंट की मालूम करनी है वो कैसे आएगी, मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड। अभी हम लोगों ने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन मालूम करनी है, तो क्या आएगा, मैस ऑफ कार्बन, कार्बन की ही परसेंटेज मालूम करनी है, इस वजह से मैस में कार्बन का आएगा। कंपाउंड कौन सा है, कंपाउंड हमारे पास था कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें से उसकी परसेंटेज मालूम करनी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैस ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय 100, वो तो 100 तो हम लोगों ने यहां पे लगाना ही लगाना। फिर मैस ऑफ कार्बन, कार्बन का मैस कितना होता है, मॉलिक्यूलर मैस 12 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का मैस कितना होता है 44 ग्राम। अब हम लोगों ने ये इक्वेशन क्यों लिखी, सिंपल ये वाली इक्वेशन क्यों लिखी, परसेंटेज हम अगर देखें यहां पर था मैस ऑफ कार्बन, हमें मैस कार्बन का मालूम हुआ नहीं हुआ, हमें किसका मालूम हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड का मैस मालूम हुआ और उसके अलावा हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस पता है, तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, जो यूनिटी जो यूनिट आएगा उसको हम लोग कार्बन की परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये इतने वाला हिस्सा सिंपली उस कंपाउंड में से कार्बन की परसेंटेज मालूम करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाए। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोगों ने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मालूम करनी है, तो वो कैसे मालूम करेंगे, मैस ऑफ वाटर डिवाइड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर जो यहां पर मैग्नीशियम क्लोराइड ने एब्जॉर्ब किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोगों ने पहले वे किया, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 18 2.0616। यहां पर हम लोगों ने 2 डिवाइड बाय 18 क्यों किया, हाइड्रोजन का मैस कितना होता है 1 ग्राम 1.008, वाटर में हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 2 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो गया, 18 ग्राम मैस किसका है वाटर का, मॉलिक्यूलर मैस। तो हम लोगों ने क्या करना था, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मालूम करनी थी, तो क्या आना था, मैस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मैस ऑफ कंपाउंड, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर देना था हम लोगों ने 100 के साथ। हाइड्रोजन का मैस कितना है, यहां पे दो हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, इस वजह से 2.016। कंपाउंड कौन सा था यहां पे, वाटर का है, जिसमें से मालूम करनी है तो वाटर का मैस कितना होता है 18 मल्टीप्लाई मैस ऑफ वाटर डिवाइड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 18, ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद हम लोगों ने मालूम करनी है बेटा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करनी। अब ऑक्सीजन का मैस हम लोग किस कंपाउंड में से ले, वो हमारे लिए कंफ्यूजिंग है, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी दो ऑक्सीजन है, वाटर में भी ऑक्सीजन है, ये जो वेस्ट जा रहा है उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, सल्फर के ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, बाकी में भी ऑक्सीजन हो, तो ऑक्सीजन तो हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है, इस वजह से ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे मालूम करें। जब हम लोगों ने परसेंटेज शुरू में पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा था परसेंटेज क्या होती है, पार्ट्स आउट ऑफ 100, 100 में से हिस्से, 100 में से टुकड़े। अब ये करें हम लोग किसी एक चीज के 100 पार्ट्स करती है, 100 पार्ट्स करने के बाद दो बंदों को बोला कि आप लोग इसमें से उठा लो कितने उठा सकते हो, वो दोनों ने, एक ने 40 उठा लिए एक ने 30 उठा लिए, 40 30 दोनों ने उठा लिए कितने 70 उठा लिए, पीछे कितने बचे 30, वो किसके होंगे तीसरे के नहीं होंगे, वो थर्ड पर्सन के, वो जो 30 बचे वो होंगे। इसी तरीके से परसेंटेज मालूम कर ली कार्बन के, परसेंटेज मालूम कर ली हाइड्रोजन के, तो अगर ऑक्सीजन की भी होती तीनों को प्लस करते तो 100 के लिए आती है, अब हमारे पास ऑक्सीजन की नहीं है, इस वजह से टोटल होती है 100, 100 में से माइनस कर देना है, किसको माइनस कर देना है कार्बन की परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को आपस में प्लस कर देना है, करने के बाद 100 में से माइनस कर देना है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कैलकुलेट हो जाए। ठीक है बेटा, ये हमारे पास था एम्पिरिकल फार्मूला बाई कंबशन एनालिसिस जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया।
अब ये चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है, कंबशन एनालिसिस का मकसद क्या है जो हम लोगों ने ये पढ़ा है, डिटरमाइन करना है किस चीज को। तो इसके अलावा कंबशन एनालिसिस होता कैसे है वो हम लोगों ने देखना है। इस दौरान में हम लोग परसेंटेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप लोग, ये जनरली शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने यहां तक पूरा लिखना है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पॉइंट हम लोगों ने इसको मेंशन करना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना होगा। इसके बाद इसी टॉपिक के अंदर ही बेटा हमारे पास एक रेलेवेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। वो हमें कह रहा है ए सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वॉज सब्जेक्टेड टू कंबशन एनालिसिस 0.5439 ग्राम ऑफ कंपाउंड। तो ये क्या है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.5439 ग्राम ऑफ कंपाउंड। इसके बाद वो बोलता है 1.0397 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.6369 ग्राम ऑफ वाटर, दिया गया 1.039 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मास, मास ऑफ वाटर बोल रहा है 0.6369 ग्राम। वो बोलता है डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला बाय कंबशन एनालिसिस, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करें। यानी कि उसने ये कहा है हम लोगों ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसका मास था 0.5439 ग्राम, उसको हम लोगों ने कंबस करवाया, जलाया, जलाने के बाद देखा कि उसके नतीजे में 1.039 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुआ, 0.6369 ग्राम वाटर एब्जॉर्ब हुआ। एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करके, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट हम लोगों ने ना स्टेप्स पढ़े थे, क्या होते हैं 6 स्टेप पढ़ाए थे मैंने आप लोगों। फर्स्ट स्टेप डिटरमाइन दी परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी है। परसेंटेज किसकी मालूम करनी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तीनों के मालूम करनी है। परसेंटेज ऑफ कार्बन पर मैं यहां पे ना फार्मूला नहीं लिखूंगा, यही वाला है लिखा हुआ, उसके हिसाब से वैल्यू स्पोर्ट कर लेंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे मालूम करनी है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ये वाला 1.039 ग्राम, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5439 मल्टीप्लाई बाय अकॉर्डिंग टू फार्मूला परसेंटेज मालूम करनी है हम लोगों ने कार्बन की 12/44 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम लोग 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो होगा ना वो आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग कर लेते हैं, ये आएगा 1.039 डिवाइड बाय 0.5439 मल्टीप्लाई बाय 12/44 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 52.098 52.098%। फिर मालूम हम लोगों ने क्या करना है, कार्बन की कर ली है, अब हाइड्रोजन की करेंगे बेटा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वो कैसे आएगी, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मास ऑफ वाटर कितना है यहां पे, वाटर का मास है ये वाला 0.6369, मास ऑफ कंपाउंड कितना है 0.5439 मल्टीप्लाई बाय 2.016 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी कैलकुलेशन करते हैं 0.6369 डिवाइड बाय 0.5439 मल्टीप्लाई बाय 2.016 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 13.11 लिख लेते हैं। चलो इसको भी 9 ही आप लोग कर लो, या इसको 52.1 भी कर सकते हो। फिर हम लोगों ने क्या करना है बेटा, परसेंटेज ऑफ
ऑक्सीजन मालूम करनी, ऑक्सीजन की कैसे परसेंटेज मालूम करनी है, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हंड्रेड माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन 52.098 प्लस हाइड्रोजन की 13.11, इनको हम लोग प्लस कर लेते हैं। 100 माइनस 13.11 2.098 यानी 34.79। ऑक्सीजन कार्बन 52.098 हाइड्रोजन 13.11% तीनों चीजें आगे मिला। फिर ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। सेकंड स्टेप क्या होता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम कैलकुलेट करने हैं। ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, या जिसको नंबर ऑफ मोल्स भी बोलते हैं हम लोग, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास इसको बोलते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या करना है बेटा, पहले कार्बन के मालूम करने हैं ग्राम कार्बन, तो उसके लिए क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन ये है 52.098 डिवाइड बाय मोलर मास 12 ग्राम। फिर आ जाएगा ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कैलकुलेट करने हैं तो वो कैसे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मोलर मास, हाइड्रोजन की परसेंटेज है 13.11 मोलर मास इसका होता है 1.008। फिर आएगा बेटा ग्राम ऑक्सीजन, वो भी परसेंटेज इसकी है 34.79 मोलर मास इसका 69। अब इनकी हम लोग करते हैं कैलकुलेशन, 52.098 डिवाइडेड बाय 12 अरे 4.34 ये 13 ही बन जाएगा, इसको 13 ही लिख सकते हैं हम लोग, 34.79 डिवाइडेड बाय 16 2.17। दो स्टेप हो गए। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है बेटा, राइट इन एटॉमिक रेशियो फॉर्म, एटॉमिक रेशियो की शक्ल में लिखना है हम लोगों ने, तो वो कैसे लिखते होते हैं, कार्बन पहले रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, फिर इनके नंबर ऑफ ग्राम एटम इनके नीचे, कार्बन के बेटा 4.34 रेशियो हाइड्रोजन के हैं 13 रेशियो ऑक्सीजन के हैं 2.17। फिर फोर्थ स्टेप में क्या था हम लोगों ने किया, सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई कैसे करते हैं, डिवाइड करते हैं बाय स्मॉलेस्ट रेशो, जो सबसे छोटी रेशो होती है उसके साथ डिवाइड करते हैं, तो सबसे छोटी कौन सी है, ऑक्सीजन की, इसके साथ डिवाइड करते हैं कार्बन रेशो ऑक्सीजन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, तो वो कैसे आ जाएगी बेटा, 4.34 डिवाइड बाय 2.17 रेशो 13 डिवाइड बाय 2.17 रेशो 2.17 डिवाइड बाय 2.17। अब इनको हम लोग देखते हैं कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, इनकी कैलकुलेशन करते हैं। ये तो वैसे ही पहले वाले का 2 आ जाएगा, रेशो ऑक्सीजन का 1 आ जाएगा, हाइड्रोजन की कैलकुलेट करनी पड़ेगी,
39 डिवाइड बाय 2.1, ये 5.99 है, जिसको हम लोग 6 लिख सकते हैं बेटा, ऑलमोस्ट इक्वली है ना, तो इस वजह से इसको हम लोग 6 लिख लें। फिर मैं इसको रेज करके थोड़ा सा बाकी जो रह गया उसको हम लोग करते हैं, यहां से रेज कर, चलो इधर से अच्छा, हमारा फोर्थ स्टेप क्या था, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कर लिया। फिफ्थ स्टेप क्या था बेटा, कन्वर्ट इनटू होल नंबर, मुकम्मल अदद में कन्वर्ट करना, यानी कि फ्रैक्शन खत्म करना। इसमें कोई फ्रैक्शन है नहीं, हम लोग यहां पे लिखते हैं ऑलरेडी होल नंबर के, पहले से ही होल नंबर है। फिर छठा स्टेप आ जाएगा, इसमें क्या करना है, राइट इन एम्पिरिकल फार्मूला फॉर्म, एम्पिरिकल फार्मूला की शक्ल में लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, हर एक की एटॉमिक रेशियो को उसके नीचे, कार्बन के कितने हैं, रेशियो 2 है, हाइड्रोजन की रेशियो 6 है, ऑक्सीजन की रेशियो 1 है, 1 हम लोग लिखते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा, C2H6O, ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला जो होगा ना वो, ठीक है बेटा। ये हमारा आज का एग्जांपल नंबर 4 और कंबशन एनालिसिस के जरिए से एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेशन, होप सो क्लियर हो गया होगा। इस सारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।